जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे अच्छे स्वागत द्वारा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको दिसंबर का राशि फल बताऊंगा, 2021 का लास्ट महीना। दिसंबर में कई राशियों का भाग्य बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कई ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसमें से पांच राशियों की जानकारी आज मैं आपको दे रहा हूँ। पांच ऐसी राशियाँ जो बेहद ही शुभ रहने वाली हैं, भाग्य उनका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साल 2021 बहुत ही उतार चढ़ाव का रहा है। साल 2021 समाप्त होने वाला है और 2022 की शुरुआत होने वाली है। साल 2020 और 21, 20 और 21 दोनों ही परेशानी भरे गुजरे हैं। काफ़ी प्रकार की परेशानियां लोगों ने सहन की हैं। हम उम्मीद करते हैं कि 2022 सभी का अच्छा हो, लेकिन 2022 के राशिफल को देख करके लगता है कि अभी मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। वह आपको अगले वीडियो में प्राप्त होंगी कि 2022 का समय कैसा रहने वाला है। आज मैं आपको दिसंबर महीने की 2021 की जानकारी दे रहा हूँ। साल 2021 का लास्ट महीना है, जिसमें कई ग्रह बहुत ही अच्छी स्थिति में रहेंगे, तो कई राशियों का भाग्य असमंजस भरा रहेगा। कई राशि वालों का भाग्य स्थान बहुत ही अच्छा रहा है, काफ़ी राशियों का भाग्योदय होगा। अच्छे कार्यों की शुरुआत होगी, अच्छे शुभ संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे, साथ ही संतान और धन प्राप्ति के भी योग बनेंगे। नए कार्य शुरू हो जाएंगे, जिन कार्यों में अड़चने या रुकावटें आ रही थी, वह सारी अड़चने रुकावटें दूर हो जाएंगी। सबसे पहला बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के नवम भाव में सूर्य उदादित्य योग है, जो धनुराशि में बन रहा है। यह योग बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर यह योग इंसान की कुंडली में हो तो इंसान को धन प्राप्ति के अच्छे खासे लाभ मिलते हैं। अच्छी प्रकार का तरक्की करता है इंसान, व्यापार बहुत अच्छा चलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी प्रमोशन मिलेगा। वही 3 दिन का गजकेसरी योग, जो बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है। आने वाला समय इनके लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है। खासकर दिसंबर का महीना आपके नए कार्यों की शुरुआत कराएगा, आपका नया कार्य भी बनेगा, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। वही संतान प्राप्ति व नौकरी में प्रमोशन के आपके चांसेस बनेंगे। आपके लिए दिसंबर का महीना खास खुशियां लेकर के आने वाला है। यह नाम के हिसाब से राशि फल बताया जा रहा है। दूसरी जो राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि के सप्तम भाव में यह योग है, जो आपके गृहस्थ जीवन में खुशियों की बहार ला देगा। आपका गृहस्थ जीवन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आने वाला समय आपके लिए ढेरों सारी खुशियां लेकर के आने वाला है। वहीं आपके लिए गुरु कई प्रकार का लाभ देगा। गुरु के द्वारा आपके कई कार्य बनेंगे, साथ ही बिगड़े हुए कार्यों में सुधार भी आएगा। व्यापार क्षेत्र आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। पुत्र प्राप्ति के आपके योग बनेंगे, बहुत ही अच्छा योग आप एक प्रकार से कह सकते हैं। 8 दिसंबर से शुक्र भी मकर राशि में प्रवेश करेगा। वहीं मंगल वृश्चिक राशि में जाएंगे, जो खुद की राशि है, जो बहुत ही अच्छा योग बनाएंगे। तो कई ग्रह अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो लगभग बहुत ही अच्छा है। जो कुछ भी खुशियां आपको पूरे साल में नहीं मिली, हो सकता है वो खुशियां आपको दिसंबर के महीने में मिल जाएं। तो मिथुन राशि का भाग्य बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगली जो राशि है वह है सिंह राशि। सिंह राशि का दोस्तों भाग बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सिंह राशि के पंचम भाव में सूर्य बुध योग और सप्तम भाव में गुरु का योग, जो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। गृहस्थ जीवन में तो खुशियाँ आएंगी आएंगी, साथ ही पुत्र प्राप्ति के लिए भी ये महीना आपका दिसंबर का बहुत ही अच्छा रहने वाला है। संतान प्राप्ति के साथ साथ धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। व्यापार क्षेत्र आपका एकदम उछाल में आएगा। अगर व्यापार आपका नीचे गिर रहा है या आपके पैसे कहीं डूबे हुए हैं, तो वह दिसंबर के महीने में आपके लिए शुभ संकेत हैं। आपका गया हुआ पैसा भी वापस आएगा और आपका समय भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है।
वही अगली राशि की बात करें तो वह धनु राशि, चतुर्थ जो राशि है वह खुद धनु राशि। यह योग धनु राशि वालों के लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है। धनु राशि वालों को अच्छी खासी सफलताएं मिलेंगी व्यापारिक क्षेत्र, साथ ही स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा। ग्रस्त जीवन में खुशियां आएंगी, संतान धन प्राप्ति के योग बनेंगे, वहीं संतान की जो टेंशन है वो भी आपकी दूर होगी। आप कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी आपको सोच समझ करके करना है। अगली जो राशि है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि का योग बहुत ही अच्छा रहने वाला है। दिसंबर का महीना कुंभ राशि वालों को नई नई चीज़ें दिखाएगा, यानी नए नए फैसले कराएगा आपके, और ऐसे कामयाबी दिलाएगा जिसका आपको विश्वास भी नहीं होगा। नए लोगों के साथ में संपर्क आपके बढ़ेंगे, मित्रों का और घर वालों का सहयोग भी आपको मिलेगा। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वहीं मीन राशि वालों के लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। मीन राशि वालों को विशेष प्रकार का लाभ मिलेगा, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, संतान धन प्राप्ति के योग बनेंगे। दिसंबर का महीना आपके लिए कोई शुभ समाचार लेकर के आएगा। साथ ही जो लोग बाहर जाने की सोच रहे हैं उनके लिए भी जो है मौका अच्छा रहेगा। हालांकि वो आपके ऊपर है जाना है कि नहीं जाना, लेकिन योग आपके बनेंगे। नौकरी वालों के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, धनु राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, ये राशियां बेहद ही शुभ और भाग्यशाली रहने वाली हैं दिसंबर के महीने में। वही मकर राशि, मकर राशि वालों को धन का बहुत बढ़िया लाभ है। साथ ही जो राशि रहेगी वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों को बहुत ही अच्छा धन का लाभ रहेगा, संतान का सुख भी मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। वाहन आदि चलाएं, होशियारी से चलाएं, खान पीन का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ये जो राशियां थी ये बहुत ही अच्छी हैं, और एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें, पूजा पाठ पर विशेष रूप से ध्यान दें। साल कोई भी हो, ग्रह कैसे भी हो, लेकिन आप पूजा पाठ पर विशेष ध्यान देंगे। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि कर्म करने से भाग्य बदल जाता है, किसी को अपशब्द ना बोलें। आप अगर किसी को अपशब्द बोलते हैं तो उसे आपका ही बुरा होगा, किसी दूसरे का नहीं। तो इसलिए दूसरों की भलाई करें, सहायता करने की कोशिश करें, वही भगवान शिव जी की और गौ माता की पूजा करें, बृहस्पतिवार की पूजा करें, जिससे आपके धन और संतान के योग बनेंगे और व्यापारिक क्षेत्र भी आपका अच्छा रहेगा। पक्षियों को दाना डालें, बहते हुए दरिया में आप आटे की गोली बना करके डालें, ये आपके लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है। तो आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें और आने वाला साल आप सभी का बहुत ही अच्छा रहे। नमस्कार।